सरफराज अहमद ने फौजी टोपियां पहनकर मैच खेलने की हमायत कर दी। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत और पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक पहुंचने की पेशगोई भी कर दी है। तफसीलात के मुताबिक कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने फौजी टोपियां पहनकर मैच खेलने की हमायत की है। एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम से गुफ्तगू करते हुए सरफराज अहमद ने भारतीय टीम की जानिब से फौजी टोपियां पहनकर मैच खेलने के अमल पर रद्द अमल देते हुए कहा कि टीम मैच में आर्मी कैप पहन सकती है। सरफराज ने मजीद कहा कि हर कप्तान का ये ख्वाब होता है कि वो अपने मुल्क के लिए वर्ल्ड कप जीते और मेरा भी यही ख्वाब है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान इस मेगा इवेंट का फाइनल ज़रूर खेलेगा। उन्होंने पेशगोई की कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत और पाकिस्तान की टीमें वर्ल्ड कप में सबसे ऊपर उभर कर सामने आएंगी। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप जीतने के लिए पाकिस्तानी टीम अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाती रहेगी। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम ने कहा कि टीम मैच में आर्मी कैप पहन सकती है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप के दौरान किसी भी खिलाड़ी के जख्मी हो जाने की सूरत में इसका मुतबादिल वहाँ ही मौजूद होगा। मुख्तलिफ खिलाड़ियों की कारकर्दगी के बारे में तबसरा करते हुए सरफराज अहमद ने कहा, हसन अली ने PSL में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और उम्मीद है इमामुल हक और फखर जमान वर्ल्ड कप में बतौर ओपनर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे।